हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस दुनिया में ऐसा कौन सा मैमल है जो सचमुच उड़ सकता है? आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही एक मैमल के बारे में बात करने वाले हैं जो एक पक्षी ना होते हुए भी पक्षियों की तरह आसमान में फ्लाई कर सकता है। एनी गेस, हम किस मैमल के बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं बैट्स के बारे में। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्कूल एट होम 2121 पर। तो आइए जानते हैं बैट्स के बारे में कुछ अननोन एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। पहला फैक्ट, वैम्पायर बैट्स खून के प्यासे नहीं होते। 1400 से अधिक चमगादड़ों की प्रजातियों में से केवल 3 ही अन्य जानवरों के खून पर निर्भर हैं, और फिर भी वे केवल थोड़ी ही मात्रा में खून चूसते हैं। अधिकांश चमगादड़ वास्तव में कीट भक्षी होते हैं और कीड़ों की आबादी को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा फैक्ट, चमगादड़ ही एकमात्र स्तनधारी है जो वास्तव में उड़ सकता है, जबकि उड़ने वाली गिलहरी जैसे कुछ स्तनधारी ग्लाइड कर सकते हैं पर उड़ नहीं सकते। चमगादड़ ही एकमात्र ऐसे मैमल हैं जिनके पास निरंतर संचालित उड़ान के लिए अनुकूल शरीर होता है। उनके पंख लंबी उंगलियों के बीच फैली त्वचा की पतली झिल्लियों से बने होते हैं जो उन्हें अविश्वसनीय गतिशीलता प्रदान करते हैं। तीसरा फैक्ट, चमगादड़ों के लिए कहा जाता है कि वो अपना मल मुंह से निकालते हैं। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। चमगादड़ अपना मल मुंह से नहीं निकालते, ये एक आम गलतफहमी है। अन्य सभी स्तनधारियों की तरह चमगादड़ों का पाचन और रेस्पिरेटरी प्रणालियां अलग अलग होती हैं। उनके पास खाने और सांस लेने के लिए एक मुंह है और वेस्ट को खत्म करने के लिए एक एनस है। चमगादड़ों की कई प्रजातियां उल्टी होकर पेड़ों पर लटकती हैं, इससे ऐसा लग सकता है कि उनके मुंह से मल निकल रहा है, खासकर तब जब उन्होंने हाल ही में कीड़े पकड़ कर खाए हों और जिससे उनके मुंह के आसपास इंसेक्ट्स के टुकड़े रह गए हों। दूर से देखने पर इसका गलत अर्थ ये लगाया जा सकता है कि उनके मुंह से मल निकल रहा है। चौथा फैक्ट, चमगादड़ इकोलोकेशन का उपयोग करके नेविगेट और शिकार कर सकते हैं। फिल्मों में कई बार दिखाया जाता है कि चमगादड़ अंधे होते हैं, लेकिन वे अंधे नहीं होते। हालांकि वे इकोलोकेशन पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी ध्वनियां उत्सर्जित करते हैं और एको होती हुई साउंड्स का इस्तेमाल करके अपनी सराउंडिंग्स की मानसिक तस्वीर बना लेते हैं। इससे उन्हें कीड़ों का शिकार करने और पूर्ण अंधेरे में नेविगेट करने में मदद मिलती है। पांचवा फैक्ट, दुनिया का सबसे बड़ा चमगादड़ जायंट गोल्डन क्राउन फ्लाइंग फॉक्स है, जिसके पंखों का फैलाव 5.5 फीट यानी 1.7 मीटर है। ये अधिकांश शिकारी पक्षियों जैसे कि बाज से भी बड़ा है। सबसे छोटा चमगादड़ किटीज हॉकनोज चमगादड़ है। इसका वजन केवल 2 ग्राम यानी 0.07 औंस है और पंखों का फैलाव मात्र 3.5 इंच यानी 8.9 सेंटीमीटर है। ये एक घोड़े के आकार के बराबर है। छठा फैक्ट, ज्यादातर चमगादड़ एक नॉक्टर्नल क्रीचर है, यानी वे रात में एक्टिव रहते हैं। इस वजह से वे रात में भारी मात्रा में कीड़ों को खा सकते हैं। चमगादड़ों की कुछ प्रजातियां एक ही रात में हजारों कीड़ों को खा सकती हैं, जिससे वे प्राकृतिक कीट नियंत्रण एजेंट बन जाते हैं और फसलों की रक्षा करने में हमारी मदद करते हैं। तो ये थे चमगादड़ों के बारे में कुछ अनजाने और दिलचस्प तथ्य। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।